वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाई तुलसी देवी या वही केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्तई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा रमण बिहारी की जय। सबसे पहले मेरे गुरुद्वय नित्य लीला प्रविष्ट परमारद्धतम जगत गुरु श्री भक्तिविदांत बामन गोस्वामी महाराज तथा मेरे सन्यास रूपात पद्म जगत गुरु श्री नारायण गोस्वामी महाराज ये पीछे लाइट बंद कर ये लाइट नारायण गोस्वामी महाराज जी और हमारे परम पूज्यवाद तेजन्नी सिंह भक्ति विदान त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनके चरण में यथाजग दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री श्री चैतन्य भागवत के पंचम अध्याय अंतखंड के पंचम अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक अभी ठीक। तो व्यास संख्या है 328। चैतन्य महाप्रभु भक्तों को कृपा कर रहे हैं, घर घर में जाकर के हरिनाम संकीर्तन यही करना है, यही करना है। क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन, खुद हरिनाम करना है और दूसरे को करवाना है। क्योंकि कलि युग में नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। साध्य साधन तत्व जा किछु सकल नाम संकीर्तने मिलिबे सकल। जो कुछ भी है साध्य क्या है साधन क्या है आपको समझ में नहीं आता तो हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। हरिनाम ही साध्य है, हरिनाम ही साधन। इसलिए जितनी इस नाम को लिया जाए अपराध जितने नीर अपराध हमेशा ध्यान रखना नीर अपराध में नाम लेना। हम पहली बार 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 इस बात को बताते हैं है ना, अपराध मत करो। हरिनाम कम करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपराध मत करो। शुद्ध नाम लेने की प्रयास करो, किसी की निंदा चुगली में मत जाओ है ना। गुरु वैष्णव की सेवा करो जिसकी हमारे उद्धार हम की भक्ति मिले इस भाव से। ये नहीं कि गुरु वैष्णव की भगवान को सेवा कर रहा हूं और मैं उनकी फायदा उठ रहा फायदा दे रहा तो ये भाई फिर आपकी सेवा नहीं हुई है ना। वो सेवा नहीं हुई आपने ये उसको सेवा नहीं कही। ये तो हमारी धन्य है हम उनकी हमारी सेवा लिया है ये हम किता जब प्रभु की भगवान की सेवा लगाए ये भाव। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से पानीहाटी से बराहनगर होकर के
नीलाचल पुरी में आए, पुरी में भी भक्तों का महाप्रभु जहाँ जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि खुद आचरण नहीं करेंगे ना तो दूसरे को आप शिक्षा नहीं दे सकते, है ना। इसलिए खुद आचरण करना, आप हरिनाम करते हो तो दूसरे को बोलोगे तो वो सोचेंगे इस बात जहाँ बोला है देखते हैं हरिनाम। अब खुद ही हरिनाम नहीं करते हैं, है ना, तो आपकी बात नहीं माने। इसलिए आचार्यों का काम यही है, खुद आचरण करो और दूसरे को भी जो अच्छा चीज है वो दूसरे को भी बताओ, उसमें उनका कल्याण हो, तभी हमारे पुरी के जो सार्वभौम पंडित उन्होंने स्तुति करी है ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षात्मेकं पुरुषं पुरा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधर्जत स्तमं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या और भक्ति योग तीनों के मूर्ति स्वरूप है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु यही वही मूर्ति लेकर के आए, ये हरिनाम संकीर्तन सारे साधनों का सार है। सब साधनों का सार हरिनाम संकीर्तन, इसलिए हरिनाम संकीर्तन करना पड़े, आदत कीजिए, है ना। खाली मठ मंदिर में कीर्तन होंगे, घर में नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब जगह में हरिनाम के बिना गति नहीं है, भगवान के नाम के बिना हमारा कोई चारा नहीं है। आज या काल आपको इस नाम को नाम लेना ही है, नॉन स्टॉप नाम लो, हरिनाम भी करो, शास्त्र अध्ययन भी करो या सुनो, और कुछ ठाकुर जी के लिए उनको बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, है ना, कपड़ा पहनाओ, उनकी खुश करो, तीनों कर लो। तो ये सारे विचार महाप्रभु खुद आचरण करके उन्होंने दिखा रहे, सिखा रहे। तो महाप्रभु तीन महीना वहां पर रहा, पूरी में। तबे नित्यानंद प्रभु वर कत दिने अलंकार परिते हईला इच्छा मने, इच्छा मात्र सर्व अलंकार सही खने उपसन्न आसिया हईल विद्ध मने। अलंकार नित्यानंद प्रभु की इच्छा है कि कुछ अलंकार, अलंकार आदि पहने, अलंकार मतलब जे गहना वगैरह पायल हो गए, गले का हार, सब बाजू वगैरह पहनते हैं, सुवर्ण रजत मकरत मनोहर नानाविध बहुमूल्य कते प्रस्तर, मुनि सुप्रवाल पट्टवास मुक्ताहार सुकृत सकल दिया करे नमस्कार। आज जब उनकी नित्यानंद प्रभु के मन में इच्छा हुई तो भक्त लोग दे रहे, रजत है, रूपा चांदी सोना के द्वारा बहुमूल्य सब दे रहे। कतवा निम्री निम्री कतवा निर्मित कत करिया निर्माण करिलेन अलंकार जन इच्छा तान, दुई हस्ते सुवर्णेर अंगद बलय पुष्ट करी पायरे करिलेन आत्म इच्छा। जब उनकी मन में जब इच्छा हुई तब भक्त लोग उनको दिया, और उन्हें हाथ में बाला भी पहना, गले में हार पहना, उनकी इच्छा के अनुसार सब सारे चीज जो है पहना। और ये जो अंगूठी भी 10 अंगुली में पहन, और कंठ में बहुत हिम्मत वाला हार भी,
रुद्राक्ष विड़लाक्ष दुई सुवर्ण रजते अंध्या कोरिला कंठे महेश्वर प्रीति मुक्ता कसा सुवर्ण कोरिया सुरचर दुई श्रुति मूले सोबे परम शोभन। ये सब हार विकन क्यों, क्योंकि यही नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम बलदेव संग महाशंकर सब उनकी जो रूप है, एक रूप क्या है नारायण का रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी उनके अंश है, अंश नहीं शरीर उनकी विलास मूर्ति बात है। तो उनकी नारायण की पूजा कैसे होती है आपने देखा होगा बालाजी तिरुपति बालाजी में कितने सोने के वेश देखा आपने, सोने के वेश पहनाया था तो हम लोगों ने व्हाट्सएप में देखा है। जगन्नाथपुरी में भी मकर संक्रांति के दिन भी जगन्नाथ कवि सोना वेश में पहनाया। तो उनकी ऐश्वर्य है अच्छा कोई बात, तो सोना इस सब उनकी इच्छा है वो पहनते हैं, एक ऐश्वर्य मूड है अपुलेंस मूड का तो ऐश्वर्य पूर्ण है। अच्छा माधुर्य में आ गए तो वो ब्रज में धूल मिट्टी में खेल कुछ नहीं जानते, ये उनकी माधुरी जी लीला है ठीक है। अब उनकी इच्छा हुई तो इस प्रकार साधना धाजना चाहते पाद पद में रजत नपुर सुशोभन तरुपरी मल सभे जगत मोहन। देखो पांव में भी नपुर भी पहन शुक्ल पट्ट नील पीत बहुविध वास अपूर्व शोभाये परिधाने रविलास। शुक्ल पट्ट नील शुक्ल सफेद नील एवं पीत तीन प्रकार का वास परिवहन पहनते बलराम जी ज्यादातर नीला नील वस्त्र क्यों, क्योंकि राधा जी के भक्त हैं, राधा जी भी नील वस्त्र है। राधा जी क्यों नील वस्त्र पहनते पहनती कृष्ण स्वयंवर में कहना नील इंद्र नील जिनी कृष्ण रूप खानी हिरिया कदम बमूले मन उचाटन नचले चरण संसार के नाम भूले। इंद्र नील मुनि जैसे दिव्य रूप है, इसलिए इसलिए राधा जी इस अनुराग में उस भाव में भावित है, उसमें उनके प्यार इसलिए वो काला पहनते। अब राधा जी को जब पसंद है तो बलराम जी को ही पसंद है, अब बलराम जी बड़े भाई हैं तो राधा जी के संबंध थोड़ा बड़े भाई के साथ भाई की बहू है, बहू नहीं प्रेमी प्रेमिका है तो उनसे बातचीत नहीं होती है ना। तो लेकिन ये दिव्य जगत की लीलाएं हैं, उनकी बलराम जी की इच्छा है जो मैं कैसे राधा रानी की सेवा करूं, याद है किस रूप में सेवा करते हैं। हाँ वेरी गुड, अरे आप लोग तो भाई फर्स्ट हो गए सर। अनंग मंदिर रूप राधा जी के छठी बहन बनकर करते इस भावमर के राधा रानी की सेवा, क्योंकि साधा राधा रानी के अंदर इतनी नाम इतनी महिमा क्यों, क्योंकि राधा रानी के अंदर सेवा वृत्ति है ना, सेवा नहीं ले रहे सेवा ठाकुर कृष्ण की सेवा करते। राधा रानी की कोई अपनी इच्छा भी नहीं होती जो अपनी स्वतंत्र जो मेरी इच्छा अपनी इच्छा पूरा कर, तभी उतनी उनकी कितनी 16,108 पाठरानी सब विधिवत शादी करी ये नहीं भागा के भाई। लेकिन उनकी बाएं तरफ और किसी को नहीं बैठाया, एकमात्र श्रीमती राधा ठाकुर, क्यों, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी ने जितनी सेवा करी है और करती रहती है ऐसा सेवा न भूत न भविष्य। इसलिए भाई सेवा करोगे तो आपको विवाह मिलेगा, इसलिए सेवा ही जीवन है। सेवा का डेफिनेशन क्या है, जिनकी सेवा कर रहे हो उनकी खुशी के लिए, अपने लिए नहीं, जिनकी सेवा कर रहे हैं नित्य शाश्वत पुरुष श्री कृष्णचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु
उनकी प्रीति के लिए सेवा करी की जाती है, तो आपकी वो सेवा करेगी। और कोई ठाकुर जी के बहाना बना करके सेवा कर रहे हैं, कहने का मतलब मेरी कोई इच्छा पूरी, इसको वैष्णव लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे सालग्राम लेकर के ना पत्थर है ना सालग्राम, उसको बादाम मूंगफली को तोड़ के खा रहे हैं। सालग्राम तोड़ने के लिए क्या हाथ से नहीं हो रहा है तो क्या करें, पत्थर ढूंढा मिला रहे, तब मंदिर से वो सालग्राम लेकर के मूंगफली तोड़ा और खा रहे। इसकी मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब है हम अपनी इच्छा को ठाकुर जी को नौकर बना के अपनी इच्छा पूरी करें, ये है कहने का मतलब। तो वैष्णव शुद्ध लैंग्वेज बोल लेंगे ना, वैष्णव की परिभाषा, तो ऐसा नहीं करो। अंदर से सारी इच्छाएं को भौतिक इच्छाएं ही दुख का कारण है, प्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ और खूब भजन कीजिए। हर किसी की जिंदगी में, आपको पहले भी बताया, परीक्षा की घड़ी आती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिनके जीवन में परीक्षा नहीं हो, चाहे वो कर्मी हो, योगी हो, ज्ञानी, कोई भी, परीक्षा की घड़ी आएगी। परीक्षा इसलिए करते हैं भगवान जो आपको परफेक्शन को दिलाने के। जब तक दुख दर्द नहीं आएंगे जीवन में तो कभी वो परफेक्ट इंसान नहीं है। भक्ति तो भक्त तो दूर की बात है, इसलिए भगवान भी दुख दर्द जो देते हैं वो भी हमारे अच्छा के लिए। अगर जिनके जीवन में दुख दर्द नहीं है तो समझ लो भगवान उनके प्रति कृपा से वंचित रह रहे हैं, है ना, कृपा से वंचित। क्यों? क्योंकि दुख में समीरण करे सब, सुख में ना कोई, सुख में समीरण करे तो दुख काहे को, दुख में ही समीरण करते, सुख में नहीं कोई नहीं करते। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत अपार है, उनका जैसे नाम है ऐसे काम है, नित्य आनंद में रहते सेवा, और भगवान की सेवा जो भी करे उनका आनंद। और साधक जीवन में भी, साधक साधिका में कष्ट पहले पहले आता ही है और सबके लिए, लेकिन जब भजन करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब वो कष्ट आ रहा है देखकर अगर आप उसको छोड़ दोगे तो भाई फिर काम पूरा नहीं होगा। आप एक भी, जितने भी भक्त आए हैं इस धरित्री पर, उनकी सबके जीवनी देखिए, सबके जीवन ही देखिए, जो भक्त उनके जीवन में कठिनाई आई है कि नहीं है, आई है ना। सबके जीवन कठिनाई इसलिए आती है आपको परफेक्शन दिलाने के लिए आती है। जितनी दुख होगा उतना ही आपको विचार बदलेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल दे रहा, जैसे आपके पास कपड़े नहीं है, अभी मोटा कपड़ा पहनना चाहिए सर्दी में, इतने मतलब अच्छे कपड़े, नए नए डेली, मतलब नए नए कपड़ा पहनने के लिए इतने कपड़ा है नहीं, तो मन कर रहा है आप डेली नया नया कपड़ा पहने, अच्छे कपड़े पहने, चलो आपकी मतलब घर में अच्छा है, पैसा है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा ही काम धाम थोड़ा रुकावट आ गया, डेली नया कपड़ा नहीं पहन पा रहे, तो दुख होगा थोड़ा। लेकिन जब आप आंखों में आंसू भी आए, लेकिन आपको जब सोच को बदल देंगे, बोले ये अच्छा, ऐसा बहुत इंसान है जो कपड़े के पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं होता है उनके पास प्रॉपर सर्दी में, कितने लोग मर भी रहा है गरीब आदमी, ऐसा भी तो है, फुटपाथ में पड़े हुए हैं, झोपड़ी में पड़े हुए, बताए वो लोग अगर जी सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं जी सकता, समझ रहे ना। तो ये दुख आने से आपका विचार क्या है, पॉजिटिव हो गया,
जो अच्छा इंसान होते हैं वो पॉजिटिव करेंगे, और जो समझ नहीं है वो झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। इसलिए दुख आने पर हमेशा भक्ति की तरफ जाना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, तो हमारी बुद्धि फिर बदल जाती है और हमारी पॉजिटिव हो जाती है। समझ रहे हो ना, यही बात है। और क्या क्या नित्यानंद प्रभु अपने को सजा रहे हैं? मालती मल्लिका जूथी चंपके माला श्री बक्ष कराये शोभा आंदोलन खेला गोरचन सहित चंदन दिव्य गंधे विचित्र करिया लेपिया छन श्री अंगे। मालती मल्लिका जही चंपक पुष्प ये सब भी उन्होंने के द्वारा श्रृंगार किया। गोरचना सहित दिव्य चंदन भी शरीर में लेपन किया। श्री मस्तके सभित विविध पट्टवास तदुपरि नाना वर्ण माल्येर विला प्रसन्न श्री मुकुटी शशधर जिनी हासिया करें निरवधि हरिध्वनि। मस्तक में भी सभी विविध पट्टवास विभिन्न तरह के कपड़ा बांध करके पगड़ी बनाए, हमारे जैसे रमन बिहारी को पगड़ी पहनाते हैं। तदुपरी नाना वर्ण माल्य विकास नाना वर्ण की माला के द्वारा भी सुंदर श्रृंगार किया। और उनकी श्री मुख कैसे हैं? कोटि चंद्र। हम लोग एक वैष्णव भजन में गाते हैं ना, नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा, है ना। उनकी चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, उनकी मुख कमल, ये ऐसा नहीं लिख दिया कि कल्पना करके, नहीं है। गुरुपाद पद्मा, क्योंकि संसार से उद्धार होना है भैया तो एक ही मार्ग रहेगा, वो है गुरु के द्वार। संसार दावा नललीड़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्व प्राप्तश्च कल्याण गुणर्नवश वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम, है ना। यही बता रहे कि संसार दावानंद से एकमात्र उद्धार होने के लिए एकमात्र श्री गुरु चरण कमल ही एकमात्र हमारे आश्रय है। वही भव सागर संसार दावानंद ये सब से पार करने के लिए तरने के लिए एक ही मात्र श्री गुरु चरण ही हमारा एकमात्र आश्रय है, दूसरा है नहीं। तो नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है। गुरु गौरांग राधा रमन बिहारी की जय। अच्छा, जेदी के चाहें दुई कमल नयने सेई दिके प्रेम वर्षे भासे सर्वजने सुवर्ण बंधन। जिधर जय नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं उधारी प्रेम वर्ष है ना। जैसे ठाकुर जी के पास हम दर्शन करने क्यों आते हैं भाई? कुछ तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि जो है ना, उनकी दृष्टि में आने से हम जन्म सफल हो जाता है उन, तो उनको तो तर जाएंगे, जो नहीं आए उनका कोई भरोसा नहीं है ना। मठ मंदिर में भी जहाँ पे नित्य सेवा होती है तो इस गुरु को गुरु वैष्णव को दर्शन करने से हमारे मंगल होता है। कैसे? आपको एक प्रैक्टिकल पद बताता हूं। आप एक साधु महात्मा का दर्शन करो, आपको कैसे लगे? ठाकुर जी का दर्शन करो कैसे लगे? लेकिन एक बदमाश जो है ना शैतान, उसको देखो आपको कैसे लगे? उनकी चेहरा
कई बार मतलब कामिना आदमी को देखो या भोगी कोई स्त्री को देखो, आपके मन मन में ना विचार बदल जाएगा तुरंत। वो आपको क्या दर्शन करने से उसका गुण आपके अंदर जा रहा है। भगवान निर्गुण है इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, वो शुद्ध कर रहा है। साधु गुरु निर्गुण है इसलिए आपको शुद्ध कर रहा है। और वो लोग रजोगुण तमगुण होने के कारण तुम्हारी दिल जो है गलत मार्ग की तरफ विचार बदलते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? ये है प्रैक्टिकल बात। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी स्त्री का नाम भी नहीं लिया और दर्शन भी नहीं किया, राज दर्शन नहीं किया, इसे एक सन्यासी। तो ये सब खुद भगवान आचरण करके ये सब शिक्षा दिया है। इसलिए सन्यास धर्म इतना आसान नहीं है, इसीलिए लोग डरते हैं ना सन्यास लेने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको आगे जाना है, पीछे नहीं देखना है। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, उनके लिए संकल्प आइडेंट डिटर्मिनेशन होना चाहिए और गुरु कृपा जरूरी, गुरु वैष्णव भगवान की, उनकी हम हमेशा 24 घंटे में 24 घंटे शरणागत रहना पड़े हमेशा। बहुत नियम है सन्यास। तो इसलिए संसार में सबके साथ रहती है, ऐसे पिता माता भाई बहन के ऐसा संबंध रखते ही हमको साधन भजन करना है ना? क्योंकि वस्तु में कोई दोष नहीं है, दोष जो है हमारा विचार जो है वो दोष। जब जब साधन भजन करेंगे ठीक ठीक रूप में तो गुरु वैष्णव भगवान हमेशा आपको रख सकते हैं। और जब हम ठीक ठीक निष्कपट रूप में भजन साधन नहीं करेंगे तो वही हम धीरे 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 भक्ति से अलग हो जाए। एक हमारे एक प्रभु जी कह रहे थे, जो बोलते भक्ति है ऐसी है ब्रेक इन गाड़ी, ब्रेक नहीं, गाड़ी चल रही तो चलने दो, चल जब गाड़ी पेट्रोल खत्म रुक गई तो गई है, उसका ब्रेक नहीं है। पेट्रोल भी हो जाए लेकिन जब तो चल रही है चल रही। तो इस प्रकार भक्ति जितनी करोगे उतना ही आपको भक्ति करने का मन करेंगे। और आप जब उसको ढीला छोड़ दिया, चलो आज रहने दें, आज मठ मंदिर जाना नहीं है, सत्संग नहीं करना, ऐसे सोते रहेंगे, आज संडे है छुट्टी है क्या, तो क्या होगा? धीरे 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 आपकी ये आलस्यता बढ़ जाएगी। तभी बताए लेजीनेस इज द कॉज ऑफ फेलियर। लेजीनेस फेल्यूर, लेजीनेस इज द कॉज ऑफ फेल्यूर। ये सारी बात होती है। इसलिए भक्ति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये भक्ति करनी है तो करो, नहीं करना तो मत करो। इसलिए हमको क्या करना, धीरे धीरे आगे बढ़ने करनी है और भक्ति करना है। जितनी भक्ति करोगे उतना ही आपको प्रसन्नता मिली, नो डाउट, समझ रहे ना? और भक्ति करते समय में कर्मफल के अनुसार कभी कभी रुकावट आएगा, लेकिन उसको मत देखो आप, खूब ठाकुर जी के लिए रो, ठाकुर जी के सामने उनके नाम लेते रोते रहो, तो देखो वो आपका धीरे 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 चला जाए। विश्वास होना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार दिया है यहाँ पर। নিরবধি লৌহদণ্ড সভা সবে করে মুসল ধরিয়া যেন প্রভু হল ধরে পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার অঙ্গদ বলয় মল্ল নপুর সুহার সিংহবেত্র বংশী ছাত দড়ি গুঞ্জমালা সবে ধরিলেন গোপালের অংশ কলা। কিউকি আপকো পহলে বতা থা ইয়ে কোন হ্যায় বলরাম হ্যায় যে দাউজি दाऊ भैया इस प्रकार घोष है ना गोप वंश में आए, तो सिंगाप जो बजाते हैं शंख की तरह ही होता है, और क्या बजाते हैं हाथ में बेत मतलब छड़ी होती है, और सखाओं के साथ होई होई करते हुए कृष्ण के साथ गई गैया चराने जाते हैं, है ना?
और जितनी शाखाएं हैं सब नित्यानंद बलदेव के पार्षद है, उस भाव में कृष्ण के चिंतन, कृष्ण भाव में भावित हुए। यही मत नित्यानंद सानुभाव रंगे विहरेन सकल पार्षद करी संगे, तबे प्रभु सर्व पारिषद गण मिली भक्त गृह गृह करे पर्यटन के लिए। इस प्रकार सानुभाव आनंद मतलब स अनुभव, इस प्रकार आपने जो नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु है उस भाव में भावित होकर आपने को सजाया, और सखाओं को भी पार्षद लोगों को भी उस भाव में सजा के उस चिंतन में उसका आनंद ले रहे हैं और भक्तों को भी दे रहे हैं। यही मत नित अच्छा जन्नवीर दुई खुले जत आछे ग्राम सर्वत्र भ्रमे नित्यानंद जतीर धाम, दर्शन मात्र सर्व जीव मुग्ध हय नाम तत्व दुई नित्यानंद रसमय। जन्नवीर दुई कुले जत आछे ग्राम, जन्नवी यानी गंगा, गंगा का एक नाम जन्नवी। क्यों जन्नवी पड़ा? क्योंकि जन्नु मुनि के जन्नु मुनि एक बार गंगा जी को पी गए थे, फिर उन्होंने क्या बोलते उसको जंगा गुरु हाँ जानू जानू को चीर करके निकाल, इसलिए उनका जन्नवी नाम। सर्वत्र भ्रमे नित्यानंद ज्योति धाम, और सर्व जीव जिन जो जो भक्त देख रहे हैं वो सब पवित्र हो रहे हैं, है ना। पाखंडियो देखिरे मात्र करे स्तुति सर्वस्व दीवारे से छने है मोती, नित्यानंद स्वरूपेर शरीर मधुर सवारी कृपा दृष्टि करे न प्रचुर। पाषंडीय देखिले मात्र करे स्तुति, पाषंडी जो भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को देखने से फिर भी उनकी स्तुति करते हैं क्यों? क्योंकि हाथ में मुसल है, ये है ना हल है, गड़बड़ देखेंगे तो मारेंगे एकदम हल से, बस राम नाम सुनते जाए। और कृष्ण का हाथ में तो मुंशी है इसीलिए डर इतना नहीं है। सर्वस्व दीवारे से छने है मोती, और नित्यानंद प्रभु भी बड़ा हिष्ट पुष्ट उनकी शरीर भी है सुंदर। बहुत ही सुंदर, देखो महाप्रभु की लीला कितनी मधुर है, उनको थोड़ा स्मरण कर देते कैसे लगते भक्तों के साथ स्वयं भगवान हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जैसे हमारे गुरुवर्ग भी देखो हरि नाम भक्तों के साथ ब्रजमंडल में है ना, नवदीप परिक्रमा भक्तों के साथ जब कीर्तन करते कितना आनंद है। तो इसलिए साधु संग से बढ़कर के इस संसार में और क्या रहेगा? दो संग है, एक साधु संग एक दुर्जन का संग। शास्त्र में कभी नहीं कहा कि दुर्जन का संग कर, हमेशा साधु संग। साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग में तीन बार बोल रहे साधु संग सर्व संग, सारे शास्त्र का निचोड़ सत्संग है। सत्संग का मतलब सत कृष्ण ही सत है, और कृष्ण के जो आश्रय करता है वो भी सत है ना। संग यानी कंपनी। लव किसको बोलते हैं? एक सेकेंड को 11 हिस्सा करने से एक हिस्सा को कहते हैं लव। इतनी संग हो जाए ना, आज हमारे परम पूज्य भक्तिविदान त्रिकुण गोस्वामी महाराज हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनकी बात में एक मुझे याद है शिक्षा मिली मुझे। तो जब 19 साल में मठ में आया तो सेवा काज में ही ज़्यादातर लगा देते थे, पूजा पूजा करने से। तो बड़े वैष्णव हैं हम, तो थोड़ा डर भी लगता था। तो त्रिकुण महाराज को मैं इतना डरता नहीं था, बाकी और दोनों गुरु को बड़ा डर था।
उन्होंने एक भक्त ने पूछा जब भक्ति कैसे बढ़ेगी, तो महाराज ने जवाब दिया, बोलते जो तुमको अच्छा लगता है उस चीज को जो है भगवान की दे दे, जो चीज अच्छी लगती है आपको उसको किसको दे दो, भगवान, तो आपकी भक्ति। क्योंकि इस जगत में जो चीज आप हमारा प्यारा है उसी चीज को लेकर रहते हैं, और वही चीज भोगने से हमारा बंधन हो जाता है, और जब भगवान को दे दोगे तो आपको भक्ति होगी। तो बात मुझे आज भी याद है, बहुत सुंदर। बड़े बड़े वैष्णव का संग करने से बहुत कुछ सीखने को मिलती है, ना तो शास्त्र तो आप घर में बैठ कर पढ़ सकते हैं, है ना। तो बड़े बड़े वैष्णव का क्यों सुनते हैं, सीनियर से इसलिए सुना जाता है, गुरु वैष्णव लोग उस शास्त्र का आचरण करने पर अपने जीवन में उतारने के बाद भी कुछ हमारे लिए कुछ आदेश उपदेश छोड़ जाते हैं, वो हमारे लिए। अगर गोस्वामी लोग नहीं आते तो महाप्रभु को हम जान पाते थे, कैसे जानते, उनका विचारों को नहीं जान पाते। और चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल नवद्वीप में आए, महाप्रभु आए उनकी बारे में लीला कीर्तन वगैरह बंगाल में खूब होता रहता है, मैं भी सुनता था। लेकिन महाप्रभु जो किस भाव में वो रो रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि कृष्ण के लिए वो पागल है, कृष्ण के लिए रो रहे हैं। लेकिन ये तो है एक कारण है, लेकिन अंदर का क्या कारण है, जो राधा भाव में वो रो रहा है ये मुझे मालूम नहीं था। ये तो मठ में गुरु महाराज के पास आने से पता था, तभी तो साधु संघ की बात कर रहे हैं ना, साधु संघ में ही समझना होगा। और इस जगत में हम ना दाता है ना भक्ता है, कौन किसको दे रहा है बताइए। इस जगत में हर चीज किसका है, भगवान कृष्ण का। इसलिए भगवान की चीज भगवान में सेवा में लगाना ही हमारा धर्म है, तो हम दाता भी नहीं है भक्ता भी नहीं। ये सब गौड़िया दर्शन है, गौड़िया विचार है। इसलिए वैष्णव फिलोसफी, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जो आए वो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बड़े बड़े डिग्री लेना है तो वो बंगाल में नवद्वीप में जाना पड़ता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल कहते थे नवद्वीप धाम। तो बड़े बड़े वो ब्राह्मण लोग क्या करते, मंत्र सिद्धि हुई है कि नहीं हुई, बोगरा बोगरा काट के काट देते थे यज्ञ में, फिर देखे मंत्र सिद्धि हुई तो बोगरा का फिर शरीर से मुंड जोड़ देते थे, अगर मंत्र सिद्धि हुई तो जल छीटा मारने से वो फिर जिन्ना हो जाए। इस प्रकार मतलब मंत्र का खेल होता था। और निमाई पंडित ने क्या किया, वो ब्राह्मण लोगों को सबको परास्त कर, छोटा होने पर भी। अभी जो भगवान के प्रति कोई थोड़ी लड़ सकता है, पंडित तो भाई बाक युद्ध करेंगे, हाथ नहीं उठाते, जो पंडित होते हैं वो कभी हाथ नहीं उठाए, वो बातों में ही बात करेंगे। तो सारे शास्त्र युक्ति के द्वारा सबको परास्त पराजित कर देते, डिफीट कर देते। तो उन लोगों का मन में बड़ा अंदर से जलन होता था, अरे ये तो मिश्र का बेटा, जगन्नाथ मिश्र का बेटा जी, ये तो बहुत बड़े भाई बन गए, तो इसका कोई नहीं हरा पाता, क्या बात। तो मन में इच्छा कोई किसको इसको पराजित किया जाए, है ना। तब युद्ध में उन भगवान की इच्छा से केशव काश्मीरी, जो काश्मीर के पंडित है, वो दिग्विजय कर रहा था, अगर नवद्वीप जय हो जाए तो दिग्विजय पंडित उनकी पदवी मिल जाएगी। अब घूमते घूमते आया तो पंडित लोगों के पास पूछा, बोला हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, शास्त्र लेके हम चर्चा करते। बोलते अरे हम आपसे, हमसे क्या कुछ, क्योंकि वो मौका आ गया ना। बोलते अरे निमाई पंडित है, उनसे आप बातचीत करिए, हमारे बच्चे हैं, उनकी वो सो लोग सोच रहे हैं
अगर निमाई पंडित परास्त हो जाए तो हम उनको चिढ़ाएं, लेकिन भैया कौन किसको चिढ़ाते हैं। गंगा के तट पे बैठे थे, केशव कश्मीरी आए, ये कथा आप लोग जानते हैं, लेकिन वो वरपुत्र थे, इसके बल पर उनका अंदर घमंड था। लेकिन जब गंगा का महिमा वर्णन किया, उसमें आलंकारिक दोष और कुछ दोष दिखा दिया, तब वो समझ गया ये शास्त्र की श्लोक नहीं है। पंडित लोग अपने अपने श्लोक मिनट में ही रचना कर लेते हैं। तो जब ऐसी बात बताई उन्होंने, तब वो समझ गया ये तो साधारण बात नहीं है। तब हाथ जोड़े, फिर घर में आकर के बहुत रोए, तो सरस्वती देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कही, बोलते हैं देखो केशव, तुम जो है तुम भाग्यवान है, और तुम जिसके साथ आज सार्थार्थ कर रहे थे वो मेरे भी पति हैं, मैं उनके आगे मैं कैसे बोलूंगी। तुम्हारी कल्याण है, तुम उनको दर्शन मिला और तुम उनको जाकर के माफी मांगो। क्यों? विद्या विनयम ददाति सा विद्या तनु तेरी जया। जिनके अंदर विद्या है वो बड़बड़ बड़बड़ नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है, शांत रहता है, समय आने पर बताए। मितंच सरंच बाचा ही बग्मिता, जो कौन बोलते हैं और काम की बात करते हैं वो पंडित है, विद्वान। और जितने मूर्ख होते हैं वो बड़बड़ करते रहते हैं, है ना। इसलिए भगवान के बारे में बोलने में दोष नहीं है। तो वो जो विद्वान है ना, वो हमेशा कौन बोलते हैं, ये लक्षण है विद्वान। मितंच सारंच बचा ही बहुमिता है। और जाकर के दूसरे दिन उनके माफी मांगे और उनको शिक्षा दिया महाप्रभु, सही से विद्या फल जानिए निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे। हमारी विद्या स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई है भैया, ये पेट पालने की विद्या है, मैं भी सिखाऊ, घर वाले ने सिखाया, लेकिन वही विद्या को किस लिए, भगवान को जानने के लिए उसको सेवा में लगाइए। आपके अंदर जो कुछ भी गुण है वो किसके लिए दिया भगवान ने, किसके लिए दिया, अरे भगवान की सेवा के लिए दिया, ये समझ चल। ठीक है, अभी समय हो रहा है और दो लाइन पढ़ लेते हैं। तो इसलिए बड़ा सिंपल उपाय है, इससे बढ़कर सिंपल उपाय नहीं है। भक्त लोग इकट्ठा हो जाओ, हरिनाम कीर्तन कर, और हरिनाम कीर्तन करने से भगवान महाप्रभु खुश है। अब हरिनाम कीर्तन जब कर रहे हो तो आप सब कुछ कर रहे, तीर्थ भी गए, हरि वेद अध्ययन भी कर लिया, है ना, सब कुछ कर लिया। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्रील गुरुदेव की, श्रील वामन गोस्वामी महाराज की, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की, जय श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की, जय परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज की, सरस्वती प्रभुपाद की, रूपानु गुरुवर्गो की, और नित्यानंद प्रभु की, जय जय श्री राधे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एनी क्वेश्चन?